आप मैं क्या कर रही हैं? We'll start. Okay. You have to tell me अगर आपको ये full forms पता है. FOMO. Fear of making out. Actually is fear of missing out, but I think fear of making out is cooler. अमिताभ बच्चन की कौन सी तीन movies में उनका नाम विजय था? I wouldn't know. अग्निपथ, दीवार से जी. I'm gonna show you some emojis and you have to tell me what do they mean. Rolling eyes. It's my favorite. Yeah, mine also. Eggplant. Bangan. Eggplant, sir. Yeah. But I keep sending it to people. Oh, So what does it mean when someone ghosts you? Prank me? No, basically when you're talking to like your crush or whatever, and suddenly they stop talking to you. Like, gayab ho jana. And it hurts also. Meri chicken biryani ya aapka fried rice? Biryani is classic. It's the best. But Mexican rice is something new and it's lighter also, so kabhi bhi kha sakte hain. Biryani mein kabhi bhi kha sakte hain actually. Ye, this is a never ending debate. I think we have something in this box that will help us rest our cases. Let's see. 3, 2, 1. Okay then. So, is rice se mom apni generation ki ek dish banayengi aur main apni generation ki ek awesome, amazing dish banaungi. And then let's see who impresses who. तो आयशा मैं चिकन बिरयानी बनाने जा रही हूँ और चिकन बिरयानी बनाने के लिए बहुत ही सब्र की ज़रूरत है ये फटाफट नहीं बनती है और इसीलिए मैं मैक्सिकन राइस बनाने वाली हूँ जो फटाफट बन जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा आयशा मुझे कैची दीजिए माँ नॉर्मल राइस जब हम बनाते हैं वो बिरयानी राइस से डिफरेंट होता है ना ऑफकोर्स डिफरेंट होता है बासमती राइस लंबे होते हैं और उनकी खुशबू जो है वो बहुत डिफरेंट होती है आपको पता है मेरी अम्मा कहती थी कि जब अच्छे बासमती राइस बनते हैं तो उनकी खुशबू पूरे मोहल्ले में होती है पहले ज़माने में जो रॉयल फैमिलीज होती थी उनके यहाँ बिरयानी जो है वो बासमती चावल की ही बनती थी क्योंकि उस ज़माने में बासमती चावल यूज़ करना बहुत बड़ी बात होती थी लेकिन आजकल बासमती चावल बहुत आसानी से मिल जाते हैं जैसे फॉर्चून बिरयानी स्पेशल और मैं अपने मैक्सिकन राइस में भी बिरयानी चावल ही यूज़ करूँगी बिकॉज़ इट्स गोना बी द बेस्ट एंड देन यू विल फील रॉयल अबाउट इट यस पहले तो होल स्कूल ऑफ थॉट ये थी कि बच्चे मतलब बच्चों से स्ट्रिक्टली बात करना चाहिए उनसे मतलब हाँ पहले ये था कि बच्चों से हमेशा आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे तो बिगड़ने का डेफिनेशन क्या है बिकॉज सी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी आई स्टे आउट अ लेट मेरे बहुत सारे गाय फ्रेंड्स हैं आई ड्रिंक वंस इन अ व्हाइल मे बी आई डोंट नो लाइक आई ट्राइड इट ट्राइड इट तो क्या आपको लगता है कि मैं बिगड़ी हुई हूँ नहीं तो बिगड़ना क्या है जो चीज़ आप लोग करते हैं वो अगर आप लोग एक हद से ज़्यादा करेंगे अगर उसकी अति हो जाएगी वो बिगड़ना है इस ज़माने का 90s में बिगड़ने का क्या मतलब होता था मेरे शहर में उस ज़माने में अगर कोई लड़की लड़कों के साथ घूम रही होती तो वो आई थिंक बिगड़ने में शामिल होता कि भाई उनकी लड़की तो बहुत बिगड़ गई है बट दिस होल बॉयज थिंग वाज अ थिंग तो आई वांट टू अंडरस्टैंड डिड यू एवर हैव अ बॉयफ्रेंड बिफोर योर शादी आर यू मैड मतलब मेरे घर में तो लड़कों से बात करना भी अलाउड नहीं था जैसे स्कूल से कोई लड़का आया नोट्स लेने के लिए तो वो दरवाजे पे ही रहेगा स्कूल से लड़का आया नोट्स लेने के लिए दैट्स सो क्यूट जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरे पास एक बॉक्स था और शादी से पहले मैंने वो खोला उसके अंदर इतने कार्ड्स थे इतने लव लेटर्स थे तो बिकॉज शादी हो रही थी तो अब इसकी क्या जरूरत है मैंने पूरा जलाया था कि अब मेरी शादी हो रही है और मुझे इन सब का क्या करना है यार सच अ टिपिकल 90s माधव मां मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है आयशा आप अपने फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ब्रो कहती हैं व्हाई बिकॉज ब्रो इज नॉट जेंडर रिलेटेड इट्स अ इमोशन इट्स लाइक द यार ऑफ आवर टाइम यार में ज्यादा मतलब वो एक अपनापन है जैसे बिरयानी में चावल है वैसे यार कॉन्वर्सेशन में इम्पोर्टेंट है आई गेट इट वी विल जस्ट स्टिक टू योर यार एंड माई ब्रो वायशा आपको क्या लगता है आप शादी कब करेंगे आई एम रेडी टू गेट मैरिड आई कैन मैरी नाउ ऑल्सो बट आपको लड़का नहीं मिल रहा क्या नहीं ऐसा नहीं है राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क I think I want to try how to make this biryani. I promise I won't spoil it. चलो, मैं देखती हूँ वो कैसे बनता है. You have to keep telling me क्या करना है इसमें. Listen, उसमें वो saffron milk डालना थोड़ा सा. How much? थोड़ा सा, थोड़ा, 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 थोड़ा सा और. बस बस. अरे. But saffron तो is good. No. Okay, we'll make it. Yeah.
और ये बीन्स बाद में डलेंगे या अभी डलेंगे? आई फॉरगॉट, प्लीज पुट इट. इसमें अगर जैसे थोड़ा सा ऐसा शुगर वाला टेक्सचर आएगा आपकी बिरयानी में, विल दैट बी नाइस? इसमें अगर मैं थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दूं तो? हमारे पास मिट्टी का तेल है क्या? ओए कम कम कम, मेरी बात सुनो, लिसन नो, यू डू योर्स, आई डू माइन. ओके, ऑलमोस्ट डन विद मोस्ट ऑफ माय. आपका काफी बचा है ना? नहीं, काफी तो नहीं बचा है. बट आई लव हाउ माय थिंग गेट्स रेडी रियली फास्ट. इट्स लाइक आवर जनरेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. पर मैंने बोला था ना, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, तभी अच्छी चीजें बनती हैं. मॉम बीइंग फिलोसोफिकल इन बिटवीन हर कुकिंग आल्सो. ओपन इट अप. डू आई हैव माय फेस प्लीज? नो, इट्स बादाम. ओके, इट्स नॉट रॉकेट. वन सेकंड. माँ, ये कब की फोटो है? आप होंगे कुछ 3 साल के. कुछ 3 साल मतलब? मतलब कुछ 3 साल. माँ, that was really hard. My face was right here, yeah. Sorry. Are you ready? I am. Are you? That's my most favorite part. Wow. बस हो गया ये और तैयार है. कैन टेक अ पिक्चर प्लीज? हाँ, इसमें ना कुछ 2-4 अच्छे से फिल्टर्स भी डाल देना, थोड़ा अच्छा ऐसे. वाओ, मेक्सिकन राइस एक्चुअली परफेक्ट है. लेट मी डू दिस. सम चीटिंग हैपेंड और व्हाट, बिकॉज़ दिस डजंट टेस्ट लाइक योर कुकिंग एट ऑल. बट यू नो व्हाट, नाउ आई अंडरस्टैंड ये जो लंबे चावल वाली बात थी. एंड खुशबू. आई एब्सोल्युटली लव हाउ वी आर बोथ नॉट स्टॉपिंग. क्लियरली यू लाइक इट. क्लियरली आई डू. गुड जॉब. गुड जॉब ब्रो. कम ब्रो. Hi guys, are you a millennial or a classic at heart? Do let us know in the comments below. Also, don't forget to check out the all new packaged fortune biryani special rice and rice bran oil, which is healthier than the healthy oils. Start shopping and use the link given in the description. Keep watching Gobble, guys.